नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मावली मारवाड़ मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए जनता काफ़ी समय से इंतजार कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। साईं दर्शन समिति के हवाले से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मावली में मीटर गेज लाइन के शंटिंग व रेलगाड़ी मेंटेनेंस यार्ड के विदाई लेने की तैयारियों की चर्चा चल रही है। मावली जंक्शन में ब्रॉडगेज लाइन बिछाने के बाद मीटर गेज की रेलगाड़ियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसलिए अब पाली जिले के एकमात्र जंक्शन स्टेशन मारवाड़ के पास मीटर गेज रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर मीटर गेज लाइनों का यार्ड बनाने की तैयारियां चल रही है। यार्ड को बनाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा सर्वे भी प्रारंभ हो चुका है। चर्चा है कि मीटर गेज लाइन का संबंध अब सिर्फ मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ तक ही रह जाएगा, यानी कि देवगढ़ से नाथद्वारा के बीच कार्य प्रारंभ सबसे पहले हो सकता है। जब तक मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन पूरी तरह से नहीं भिजती है, वह रेल यात्री को मारवाड़ जंक्शन से मावली मेवाड़ उदयपुर की ओर जाना होगा, तो देवगढ़ स्टेशन पर पहुंचकर इसका लाभ लिया जा सकेगा। वहां से दूसरे साधन से मावली व उदयपुर की ओर यात्री को जाना होगा। आने वाले समय में जब भी मारवाड़ से मावली की ओर बिछने वाली ब्रॉडगेज लाइन को जोड़ा जाएगा, मारवाड़ से मावली व उदयपुर की सीधी यात्रा पर संचालित रेलगाड़ियों से यात्रा की जा सकेगी। कुछ दिनों पूर्व मारवाड़ जंक्शन कस्बे की मीटर गेज लाइन के पूर्वी छोर पर रेलवे स्टेशन की ओर यार्ड बनाने को लेकर नगर की प्रतिष्ठित श्री साईं दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह मीणा ने भी अधिकारियों के साथ भेंट कर विस्तार की जानकारी ली थी। हालांकि सर्वे करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि रेलवे की जमीन पर ही वर्तमान में यार्ड की रेल लाइन को बिछाने के लिए जमीन देखी गई है। इस प्रकार स्थापित होने वाले यार्ड व प्रवेश द्वार व अतिरिक्त बुकिंग की जगह छोड़ते हुए यह सर्वे किया गया है। यह भी चर्चा है कि आने वाले समय में राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन मीटर गेज रेल लाइन के रूप में अपनी पहचान कायम रख सकेगा तथा भविष्य में मारवाड़ मावली ब्रॉडगेज लाइन जब भी बनेगी तब उस क्षेत्र से मीटर गेज लाइन खत्म हो जाएगी, लेकिन पर्यटन को देखते हुए गोरम घाट के लिए मीटर गेज लाइन को हेरिटेज के रूप में जीवन भर सहेज कर रखे जाने की भी योजना बनाई जा सकती है। पर्यटकों को गोरमघाट जैसी हरियाली व झरने युक्त स्थल दिखाने को लेकर पारदर्शी हेरिटेज कोच, जो कि वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर नगर से पाताल पानी के बीच चल रही हेरिटेज ट्रेन की तरह चलाए जाने की मांग साईं दर्शन सेवा संस्थान द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उक्त यार्ड व हेरिटेज सेक्शन घोषित करने की मांग पर रेलवे कब तक कदम उठाता है। साथ ही मावली मारवाड़ रेलखंड के लिए बजट प्राप्त होने की अपेक्षा भी क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही। आगामी बजट में उम्मीद है कि पहले चरण नाथद्वारा से देवगढ़ के लिए आवश्यक राशि का आवंटन हो जाएगा, जिससे कार्य में तेजी आएगी। आप सभी का धन्यवाद।